नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंबे दुर्गा ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सपने में समुद्र की लहरें देखने का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अंबे दुर्गा ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल अंबे दुर्गा ज्योतिष को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही स्वप्न ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी जानकारियाँ लाते रहें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर सपने में समुद्र की लहरें देखने का क्या मतलब होता है। दोस्तों, स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम सभी लोगों को स्वप्न में समुद्र अलग अलग अवस्थाओं में दिखाई दे सकता है। जैसे कि कोई अपने सपने में समुद्र देखता है तो कोई अपने सपने में समुद्र में तैरते हुए देखता है। इसी तरह से दोस्तों, कई लोग अपने सपने में समुद्र की लहरें देखते हैं तो कई लोग अपने सपने में देखते हैं कि समुद्र में बाढ़ आ गया है। वहीं दोस्तों, कई लोग अपने सपने में देखते हैं कि समुद्र में घूम रहे हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम सभी लोगों को सपने में समुद्र अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरह से दिखाई दे सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर सपने में समुद्र की लहरें देखने का क्या मतलब होता है। दोस्तों, सपने में अगर आपने समुद्र की लहरें देखी हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि आप अपने जीवन में जल्द ही किसी कार्य में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले हैं। ऐसा सपना आपको यह भी संकेत करता है कि इस वजह से आपको धन की प्राप्ति भी होगी। ऐसा सपना आपके नौकरी व्यापार में जल्द ही आपको किसी बड़ी उन्नति के प्राप्त होने का संकेत देता है। और तो और दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपने ऐसा सपना कई बार देखा है तो आप समझ जाइए कि जल्द ही आपकी कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है। इतना ही नहीं, या फिर आपको कारोबार में कोई बड़ा मुनाफा हो सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आपने भी अपने सपने में समुद्र की लहरें देखी हैं तो ये बेहद शुभ स्वप्न माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल अंबे दुर्गा ज्योतिष को सब्सक्राइब कर दीजिए।